जेल में बंद पूजा सिंघल ने मंगवाई परमहंस योगानंद की आत्मकथा। जेल में खाली बैठी पूजा सिंघल पढ़ती हैं योगी कथामृत। क्या गुनाहों की माफी के लिए अध्यात्म की शरण में पहुंची पूजा सिंघल? क्या योगी कथामृत से पूजा सिंघल को मिल पाएगी मानसिक शांति? जेल में बंद पूजा सिंघल आजकल एक योगी की जीवनी पढ़ रही हैं। पूजा सिंघल जिस योगी की जीवनी पढ़ रही हैं, उनका नाम परमहंस योगानंद है। यदि आप रांची से हैं या कभी रांची आए हैं तो योगदा सत्संग आश्रम को देखा होगा। योगदा सत्संग आश्रम की स्थापना परमहंस योगानंद ने ही की थी। पूजा सिंघल आजकल जेल के अपने सेल में इन्हीं परमहंस योगानंद की जीवनी योगी कथामृत को पढ़ रही हैं। सवाल है कि क्या अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए पूजा सिंघल आध्यात्म की शरण में गई हैं? मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची के होटवार जेल में बंद पूजा सिंघल अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए आध्यात्म की शरण में जा पहुंची हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। पूजा सिंघल इन दिनों धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार पूजा सिंघल ने जेल की लाइब्रेरी से योगी कथामृत नाम की किताब मंगवाई है। ये किताब दरअसल योगदा सत्संग आश्रम के संस्थापक परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। कभी राज्य के राजकाज में हमेशा बिजी रहने वाली पूजा सिंघल इन दिनों होटवार जेल के 10x10 के सेल में पूरे दिन खाली बैठी रहती हैं। इसीलिए उन्होंने जेल की लाइब्रेरी से कुछ किताबें मंगवाई थी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार पूजा सिंघल इन दिनों योगी कथामृत पढ़ रही हैं। कहा जाता है कि ये किताब जीवन के कष्टों से मुक्ति का मार्ग सुझाता है। गुनाहों की तौबा कैसे करें, इसके लिए मार्गदर्शन करता है। जिंदगी में जो भी गलतियां हुई हैं, उसकी माफी कैसे मांगे, कैसे पछतावा करें, इसका सही मार्ग बताता है। पूजा सिंघल फिलहाल अंडर ट्रायल है। जितना बड़ा उनका रसूख है, शायद वह इहलोक की अदालत से जल्दी बरी हो जाएं, लेकिन चिंता परलोक की अदालत की है। गुनाहों का हिसाब तो वहां भी होगा। कहीं यही वजह तो नहीं कि कभी इतिहास, भूगोल और संविधान पढ़कर देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करके सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाली पूजा सिंघल आजकल केवल और केवल आध्यात्मिक पुस्तकें ही पढ़ रही हैं। इसमें भी प्रमुख योगी कथामृत है। सुना है कि झारखंड के आईएएस अधिकारी अपने भविष्य और किस्मत के लिए कछुओं तक की शरण में जाते हैं, मूंगा और मनका भी पहनते हैं। हो सकता है किसी बाबा ने ही सलाह दी हो कि मैडम इहलोक की अदालत का छोड़िए, चिंता परलोक की कीजिए। गलतियों की माफी वहां कैसे मिले, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। और मैडम योगी कथामृत पढ़ने लगी। वैसे पुख्ता तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि रसूखदार जिंदगी जीने के बाद अचानक आए इस संकट में डरी पूजा सिंघल हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। वैसे पूजा सिंघल इन दिनों जिस योगी कथामृत नाम की किताब को पढ़ रही हैं, उसमें योगा, जिंदगी, जीवन साथी और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाने की कला के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पूजा सिंघल को डॉक्टरों ने योगा करने की सलाह दी है। जिंदगी में मैडम के उथल पुथल मचा हुआ है। शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो पति अभिषेक झा भी पल्स हॉस्पिटल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर घिरे हैं। ईडी का शिकंजा तो है ही। हो सकता है कि मैडम इन सब के बीच संतुलन तलाशने के लिए ही परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत पढ़ रही हूं। वैसे भी ये किताब अक्सर बड़े बड़े लोग ही पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को होती है। गरीबों का क्या है, 2 जून की रोटी, पहनने भर कपड़ा, सिर ढकने का छत और परिवार भर की खुशी। गरीबों को संतुलन के लिए किताब की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का हड़प कर तिजोरी भरते नहीं, इसीलिए वहां मासूम मुस्कान ही नैसर्गिक आध्यात्म बन जाता है। लेकिन पूजा सिंघल पर राज्य की संपत्ति को लूटने का आरोप है। इसमें शांति के लिए किताब की जरूरत तो पड़ेगी ही। क्या योगी कथामृत पूजा सिंघल के गुनाहों और गलतियों को मिटा पाएगी? क्या परमहंस योगानंद की आत्मकथा पूजा सिंघल को यह सीख दे पाएगी कि कम में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी होगी? क्या परमहंस योगानंद की किताब योगी कथामृत पूजा सिंघल की जहर जैसी हो चुकी जिंदगी में अमृत घोल पाएगी? क्या ये किताब इहलोक की अदालत का सामना करने के साथ साथ परलोक की अदालत में गुनाहों का प्रभाव कम करने में पूजा सिंघल की कोई मदद कर पाएगी? जो भी हो, फिलहाल तो ये तय है कि पूजा सिंघल ने मानसिक शांति के लिए योगी कथामृत पढ़ना शुरू कर दिया है। अब ये शांति मिलती कितनी है, वो और बात है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in